इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है पिक्सलैब एप्लीकेशन, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आपका प्रोसेस हो उसे अलाउ करते जाना है, यानी कि इसे अलाउ करते जाना है। कुछ इस तरह से आप सबको मैं बना करके इस वीडियो में आप सबको सिखाऊंगा। दोस्तों इसे क्या करता है, फिलहाल मैं इसे कट कर देता हूं, इसे क्या करता है कट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करना है शुरू से। उसके बाद यहां पर ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप सबको मिल जाएगा एक इमेज साइज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर कस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना है दोस्तों, इसे ओके कर देना है। ओके करने को इसे क्या करना है, इसे डिलीट करना है। यहां पर एक डाबा का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहां पर आप सबको यानी कि यहां पर एक नंबर पर यहां डाबा दबा दिखाई दे, उसके बाद यहां पर ए आ गया, उसके बाद एक और डाबा दिखाई दे, उसके बाद यहां पर डबल डाबा दिखाई दे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप सबको मिल जाएगा फॉरम गैलरी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप सबको बैकग्राउंड फोटो लेना है। क्या लेना है, कलर बैकग्राउंड फोटो। तो आप सबके यहां पर जितना भी मैं मटेरियल यूज करूंगा आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दिया हूं, वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और वहां पर ये जितना भी मैं मटेरियल यूज करूंगा आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों इसे करने के बाद इसे ले लेना है, ये जो बैकग्राउंड है आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसे क्या करना, ओपन करने के बाद इसे उसके बाद यहाँ पर आ जाना है शुरू में, यानी कि शुरू में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको तीसरे नंबर पर डाबा पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इम्पोर्ट पर क्लिक करके आप सबको यहाँ पर क्या करना है, सिंगर का फोटो डालना है। जो भी आपका फोटो होगा वो आपको सिंगर का फोटो डाल देना है। तो यहाँ पर आप सबको जाना है और सिंगर का फोटो लगाना है। तो आप सबको यहाँ पर मैं सिंगर का फोटो ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं सिंगर का एक फोटो ले लेता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहां पर मैं एक सिंगर का फोटो लेता हूं, उसके बाद यहां से क्लिक करके ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद यहां पर आप सबको इसे क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर देना है, इसे क्या करना है थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर एडजस्ट करना है, इसे यहां पर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहां पर फिर से इंपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप सबको टाइटल लगाना है। टाइटल कहाँ से लगाना है, आप सबको यहाँ से आप सबको टाइटल पहले से इसमें बना करके रखना है, जो कि यहाँ पर टाइटल कैसे बनाते हैं वीडियो आप सब यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि इस तरह का टाइटल कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों इसे क्या करना, ओके करके इसे यहाँ पर लगाना है। कहाँ लगाना है, यहाँ पर इसे लगा देना। उसके बाद यहाँ पर आप सबको क्या करना, एक भोले बाबा का फोटो लगाना, तो इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल गैलरी पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद भोलेनाथ का एक फोटो लगाना है। तो आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों इसे क्या करना है, एक फ़ोटो यहाँ से ले लेना है, यहाँ से आप सबको एक फ़ोटो ले लेना है। लेने के बाद इसे क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा थोड़ा सा छोटा करना और यहाँ पर आप सबको इसे एडजस्ट करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर टाइटल है जो कि चला देवघर नगरिया पिया, तो इसे क्या करना, यहाँ पर आप सबको क्लिक करना है टाइटल पर। उसके बाद यहाँ पर आगे जाएंगे तो एक मिल जाएगा ऑप्शन 3 डॉट शॉप का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे क्या करना, कलर पर जाना और इसे क्या करना है रेड कर देना है, इसे क्या करना है रेड करना और इसे क्या करना है थोड़ा छोटा बड़ा करके इसे एडजस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद इसे क्या करना है 45 है तो यहाँ पर आप सबको 266 करना है। उसके बाद जो यहाँ पर है इसे 90 है तो यहाँ पर आप सबको क्या करना है 272 करना है, इसे क्या करना है 272। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाना है और जो यहाँ पर 10% दिखाई दे रहा है इसे क्या करना है 4-5 पर लाना है, यानी कि 2-1 कर देना है, एक ही नहीं दो कर देते हैं, चलिए 2 कर दिया। उसके बाद इसे क्या करना है एडजस्ट करके इसे ओके कर देना, बस इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको एक मिल जाएगा प्लस का आइकन, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप सबको मिल जाएगा एक शॉप का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना और इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद इसे क्या करना हटा देना है साइड में। उसके बाद यहाँ पर डबा पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और जो एक जो शॉप का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना और टाइटल पर क्लिक करना और इसे ओके कर देना है, इसे करके ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आप सबको क्या करना, उसके बाद यहाँ पर जो सिंगर का फोटो लग गया, उसके बाद शंकर भगवान का फोटो लग गया और ये हमारा टाइटल है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको सिंगर का नाम डालना है और अपना लोगो डालना है। तो चलिए मैं फिलहाल मैं लोगो डाल देता हूँ। तो फिलहाल आप सबको अल पर क्लिक करके गैलरी में आना है और आने के बाद यहाँ पर आप सबको लोगो लगाना है। तो लोगो यहाँ पर आप सबको लोगो यहाँ से लगाना है, लोगो यहाँ से मैं आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक मैं लोगो ले लेता हूँ जो कि यहाँ पर मैं बना करके पहले से लोगो रखा हूँ। अगर आप सबको भी इस तरह का बनाना पसंद करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस तरह का बना करके और आप सबको भी सिखा दूंगा किस तरह ऐसे किस तरह के लोगो बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसे ओके कर दूँ। उसके बाद इसे छोटा कर देना है,
इसे क्या करना है, छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक सिंगर का फोटो यानी कि लेडीज में लेना है, तो इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल गैलरी पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको आ जाना है और यहाँ पर सिंगर का जो कि एक लेडी सिंगर का फोटो लगाना है। तो यहाँ पर आप सबको कोई सा भी यहाँ से लेडी सिंगर का फोटो ले करके इसे ओके कर देना है। क्या करना है, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसे छोटा थोड़ा सा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको क्या करके इसे थोड़ा नीचे कर देना है, ऐसे कर देना है। इसे क्या करना है, नीचे कर देना है, इतने पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो वीडियो का जो लोगो लगता है उसको लेना है, तो इंपोर्ट पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर ऑल गैलरी पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आप सबको मिल जाएगा ऑडियो वीडियो का जो लोगो होता है वो आप सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप सबको क्या करना है, ऑडियो वीडियो का लोगो लेना, तो यहाँ पर बोलबम को मिल गया। तो यहाँ पर आप सबको क्या करना है, थोड़ा सा इसे छोटा करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको सिंगर का नाम डालना है। क्या डालना है, सिंगर का नाम। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आ रहा था, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आप सबको सिंगर का नाम डालना है, जो भी आपका सिंगर का नाम होगा वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ सिंगर, यहाँ पर मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ सिंगर राज सुरीला, यहाँ पर राज सुरीला। तो यहाँ पर मैं सिंगर का डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर इसे क्या करना है, फ़ोन पर जाना है, इसे फ़ोन पर जाना है। फ़ोन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं फ़ोन पर जाना और जो भी आपका फ़ोन होगा यहाँ से चेंज करके लगा सकते हैं सो और इसे कलर करना है। तो उसके बाद यहाँ पर एक मिल जाएगा ऑप्शन कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो अलग अलग कलर करना है तो ब्लैक इसे कर देना है सिंगर। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला राज सूर्य है उसे रेड कर देना है, इसे क्या करना है, रेड करना है और इसे छोटा कर देना है, इसे क्या करना है, छोटा कर देना है। ऐसे ही करके जो भी आपका सहयोगी गीतकार या संगीतकार उसका नाम इसे नीचे में डाल देना है। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही करना। और इसे सेव कैसे करना, आप सबको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप सबको क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबको फुल HD करना है तो कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद इसे क्या करना है, सेव हो जाएगा। सो सेव हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आ गया हो। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।